सुबह में मॉर्निंग वॉक में हम घूम रहे थे, सुबह आपको वीडियो बनाए थे, कार भयंकर एक्सीडेंट हुआ था और उसको बनाए थे। लेकिन जब हम गवर्नर हाउस के आसपास जब घूम रहे थे तो एक लड़के से मुलाकात हुई। वह लड़का कैसा था, यह मेरा यूट्यूबर फॉलोअर है, बराबर वीडियो देखता है, क्लास तो मेरा नहीं किया है लेकिन वह वीडियो देखता है। तो लड़के से हमारी बातचीत हुई, हम उसको नहीं पहचान पाए, लेकिन जब एक दूसरे का अभिवादन हुआ तो वैसे स्थिति में परिचय हुआ। ये लड़का दरोगा जो अभी एग्जामिनेशन हुआ है, और दरोगा के एग्जामिनेशन में जो मेंस हुआ है वह मेंस भी क्वालिफाई है, और सबसे बेस्ट बात है 64 सीट जो एक साइज का भी निकला था उसका भी मेंस क्वालिफाई है। इससे अर्थ निकलता है अगर 64 सीट पर कोई लड़का क्वालिफाई करता है या कोई लड़का 1275 इतना कम सीट पर क्वालिफाई करता है, मतलब जीके में उसका डेप्थ नॉलेज है, इसमें कोई शक नहीं। और डेप्थ नॉलेज के साथ साथ जो उसका परीक्षा हॉल में, लड़के के बहुत सारे नॉलेज होते हैं लेकिन जब परीक्षा हॉल में जाते हैं बच्चे तो उनका कंसंट्रेशन दिमाग नहीं रह पाता है। यानी वैसे ही लड़के कम्पीट किए होंगे जिनका परीक्षा हॉल में कंसंट्रेशन रहा हो और अच्छा स्कोर किया हो, उसी के करी में हम लड़के से बात करना चाहते हैं। नाम आपका क्या हुआ? मेरा नाम अभय शंकर झाजी हुए। परीक्षा जो आने वाली परीक्षा 112 जो डायल है, भविष्य में दरोगा आएगा और सारी परीक्षा आएगा, उसकी तैयारी में क्या क्या बुक अध्ययन किए, कौन सी किताबें अध्ययन किए और इतना बढ़िया स्कोर कैसे किए, और दूसरा परीक्षा में कैसे कंसंट्रेशन बनाना चाहिए, ये लड़के से हैं। बोलिए जी 2 मिनट। सबसे पहले दरोगा की तैयारी करने के लिए आवाज से बोलेगा 2-3 बुक जरूरी तौर पर पढ़ना चाहिए। पहला लूसेंट, क्राउन, घटना चक्र। इसी 3 बुक को बार बार जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। लूसेंट बुक नहीं है, नोट्स है, उसको एक एक लाइन करके जो है जितना तक आप रख सकें वो उतना आपके लिए अच्छा है। एक लाइन यदि छूटेगा तो हो सकता है एग्जामिनेशन हॉल में एक क्वेश्चन आपका छूट सकता है। इसीलिए जब ये तीनों बुक पढ़ ले तो लूसेंट को जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। बाकी मॉक टेस्ट बाज़ार में जितना भी अवेलेबल है, छोटा बड़ा अच्छा जो भी है, सारा कुछ लगाना चाहिए। अच्छा, कितना देर लड़कों को पढ़ना चाहिए इसमें? अगर मान कर चले आप क्राउन की चर्चा किए, लूसेंट की चर्चा किए, तो व्यक्ति को क्राउन जब हम भी क्लास में पढ़ाते हैं तो खैर हम तो बहुत डेप्थ पढ़ाते हैं, लड़कों को भी अति करते हैं, लेकिन क्राउन और नोट जो गरीब लड़के हैं जो कोचिंग संस्थान में नहीं जाते हैं, इन्होंने कहा क्राउन और लूसेंट, तो कम से कम कितना देर घंटा पढ़ना चाहिए? 2 घंटा 3 घंटा पर डे कितना देर पढ़ना चाहिए इसमें? इसमें दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो फ्रेशर है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम, जो फर्स्ट टाइम क्राउन या लूसेंट पढ़ रहा है, तो उसको पहले क्राउन पढ़ना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि क्राउन में कहानी वाइज है, लिंक जुड़ा हुआ है, तो वो पढ़ने में आसान होता है। लूसेंट में बुलेट पॉइंट है, उसको रटने में टाइम लगता है, तो पहले आप क्राउन पढ़िए उसके बाद आप लूसेंट पढ़िए। 1 घंटा में आप ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 पेज, उससे ज़्यादा आप 1 घंटा में नहीं पढ़ पाइएगा। तो 1 घंटा पढ़िए, 10 मिनट का रेस्ट लीजिए, फिर एक या एक गिलास पानी पीजिए, फिर आप 1 घंटा शुरू कीजिए। देखिए बाद बोल। उसके बाद जो है 2 घंटा तक लगातार आप क्राउन या लूसेंट कोई एक बुक पढ़िए, उसके बाद ब्रेक करके आप कोई और चीज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये हो सकता है कि क्राउन लूसेंट जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उसको सेक्शन वाइज खोल लीजिए। 1 घंटा जो है हो सकता है कि आप हिस्ट्री से पढ़ें, अगला घंटा जो है ज्योग्राफी पढ़िए, इस तरीके से ब्रेक करके सारा सेक्शन को सिर्फ 5 से 6 पेज एक दिन में निकालना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप याद भी ज़्यादा अच्छे से रख पाएंगे, ठीक है, और टाइम से ख़त्म भी बुक हो जाएगा, रिवीजन बार बार हो पाएगा, जितना बार रिवीजन होगा उतना ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए लड़का कितना बढ़िया बात कहे, जितना रिवीजन, प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको परफेक्ट नहीं मिलेगा। लड़का दौड़ता है, 1.5 घंटा से कंटिन्यू लड़का फिजिकल के दौड़ रहा था जी, जब इनसे बात हुआ इससे स्पष्ट होता है कि जो भी बुक क्राउन की चर्चा किए कहानी बाई है। देखिए लूसेंट क्या फैक्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और भुला जाइए, लेकिन जब कहानी टाइप की पढ़िएगा तो उससे क्या होगा, आपके मेमोरी में बैठेगा, और मेमोरी में बैठने के बाद आपकी तैयारी एक अच्छी तैयारी होगी, और परीक्षा हॉल में जाएगा क्वेश्चन अच्छे ढंग से पकड़ाएगा। इसलिए लड़कों से मैंने बातचीत हुई, और यह लड़का दरभंगा का है, जनरल का स्टूडेंट है। देखिए जनरल में कम्पीट करना, और जनरल में रिजल्ट है इसका, EWS कहिएगा कि EWS में नहीं है, जनरल में रिजल्ट है, तो जनरल में कम्पीट करना थोड़ा टफ है जी, इसमें कोई शक नहीं, लड़के काफ़ी अच्छे हैं। मैं इनसे आशीर्वाद देता हूँ कि लड़के कम्पीट करें, यही मेरा इसके प्रति आस्था और विश्वास है। फिर मिलते हैं कोई अन्य लड़का के साथ। जय हिंद, जय भारत।